बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने एक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड था। किसी भी चीज की जो डिमांड या तलब होती है उसके ऊपर उसी चीज की हमने प्राइस का इफेक्ट देखा। तो हमने ये चेक किया था कि प्राइस अगर किसी चीज की बढ़े तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हमने क्या समझना है? इसमें हमने समझना है हाउ मच। हाउ मच का मतलब क्या हुआ? पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड में जस्ट ये देखा एक सिंपल वे में कि किसी चीज की कीमत बढ़े तो उसकी डिमांड कम होती है। आज हमने ये देखना है कि कीमत कितना बढ़े तो डिमांड में कितना चेंज आता है। अब ये जो कितना है ना, हाउ मच, इसको हमने जब डिस्कस करना है तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि सपोज किसी चीज की प्राइस पहले 100 रुपीज थी, अब उसमें 10% प्राइस बढ़ी है तो अब 110 हो गई प्राइस। तो हम ये देखेंगे कि पहले उसकी डिमांड ये थी कि डेली की सपोज बिस्किट है, डेली के 10 बिस्किट पहले सेल हो जाते थे किसी भी शॉप पर। अब कीमत 100 रुपए थी एक की, अब कीमत 10% बढ़ी है तो 110 हो गई। तो डिमांड हम ये देखेंगे कि डिमांड कितनी कम हुई है। सपोज पहले कितने 10 होते थे बिस्किट डेली के सेल, अब हो सकता है 8 सेल हो, तो डिमांड कम हुई है 2%। तो हम यही देखते हैं कि प्राइस में कितने परसेंटेज चेंज आए कि उसकी वजह से डिमांड में परसेंटेज में तब्दीली आ जाए। तो आप लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही देखा कि कीमत बढ़े तो डिमांड कम। आज हम ये देख रहे हैं कि कीमत कितना बढ़े तो डिमांड कितना कम होती है। तो जब परसेंटेज चेंज की हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक होते हैं इलास्टिक डिमांड, एक होती है इन इलास्टिक, और दूसरी होती है, तीसरी होती है यूनिट इलास्टिक। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तीन टाइप्स, तीन किस्में हैं। सबसे पहली कौन सी है? यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक किसे कहते हैं? इलास्टिक हमेशा किसी भी लचकदार चीज को कहते हैं। तो जो चीज लचकदार होती है तो उसमें क्या चांसेस होते हैं कि वो वैसी की वैसी रहती है जिस शक्ल में होती है, या उसमें कोई चेंजेस आ सकती हैं? तो हमेशा जो इलास्टिक चीज होती है उसमें चेंजेस आती है। जैसे इलास्टिक रबड़, उसको जितना खींचेंगे उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो क्योंकि उसमें तब्दीली आ जाती है, क्योंकि वो क्या है, इलास्टिक चीज है, उसमें इलास्टिसिटी है, लचकदार चीज है वो। तो इलास्टिक डिमांड को भी आप ऐसी समझ लें, इलास्टिक डिमांड से मुराद जब डिमांड लचकदार हो या उसमें चेंज होने की एबिलिटी हो। तो इलास्टिक डिमांड मतलब कि जब डिमांड में चेंज आए। चेंज किसकी वजह से आए? हम जाहिर सी बात है प्राइस के इफेक्ट देख रहे हैं, तो प्राइस की वजह से, तो प्राइस की वजह से चेंज तो आएगा, ये तो नाम से ही लग रहा है इलास्टिक डिमांड। कितना चेंज आएगा? क्योंकि हम तो इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं और वहां पर हमने कहा कि हम परसेंटेज की बात करेंगे कि प्राइस की कितनी परसेंटेज चेंज हो तो डिमांड में कितने परसेंट चेंज आए। तो इलास्टिक डिमांड शो कर रहा है कि डिमांड में काफी चेंजिंग आ रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी इलास्टिक डिमांड की स्मॉल चेंज इन प्राइस काजेज लार्ज चेंज इन डिमांड। डिमांड तो है इलास्टिक, उसमें काफी चेंजेस आ रही हैं, तो मतलब कि लार्ज चेंज इन डिमांड है। तो डिमांड में काफी ज्यादा चेंज आ रहा है लेकिन प्राइस में इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा।
क्योंकि इलास्टिक क्या है, डिमांड है, डिमांड को ये शो कर रहा है कि डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब है हम यही फैक्ट पढ़ेंगे कि प्राइस में इतनी चेंज नहीं है लेकिन डिमांड में ज्यादा आ गई है। तो स्मॉल स्मॉल चेंज इन प्राइस काजेज लार्ज चेंज इन डिमांड। और दूसरी क्या है, एन इलास्टिक, एनी इलास्टिक मतलब कि इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, ये गैर लचकदार है, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आती, थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन उस तरह की नहीं है डिमांड में तब्दीली जैसे इलास्टिक में हो रही थी। तो इसमें क्या है, इसमें प्राइस को ज्यादा भी चेंज करें तो डिमांड में इतनी चेंज नहीं आती, लार्ज चेंज इन प्राइस काजेज समान चेंज इन डिमांड। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिमांड में इतनी तब्दीली नहीं हो रही प्राइस की इतनी ज्यादा चेंज होने के बावजूद। अब इसके एग्जांपल हम किस तरह देखेंगे, इलास्टिक डिमांड में क्या है, स्मॉल चेंज इन प्राइस काजेस लार्ज चेंज इन डिमांड। अब सपोज आपने पहले आपके पास एक साइकिल थी, उसके बाद आपके पास बाइक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, स्मॉल चेंज इन प्राइस काजेस लार्ज चेंज इन डिमांड। अब बाइक पहले होती थी 50,000 की जब आपने ले ली, अब प्राइस हो गई 60,000, तो ये कोई इतनी ज्यादा चेंज नहीं है कि लाखों में कीमत बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद आपने बाइक आप ले ही नहीं रहे क्योंकि आपके मुताबिक आपको पता है कि मैं पहले साइकिल पर भी काम चला रहा था, तो बाइक इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि मेरा उसके बगैर गुजारे नहीं है। इसमें क्या हुआ है, हालांकि प्राइस तो थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन बाइक लेना लोगों ने बंद कर दी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक क्या होती है, इसमें कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती है लेकिन डिमांड में इतना फर्क नहीं आता। उसकी रीजन आप देख लें, जो आप डेली यूज करते हैं चीजें, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज है, जिस तरह से आप देख लें चीनी आटा, ये क्या है, ये इनकी कीमत पहले अगर 200 है, 200 रुपए किलो आटा है, अगर अब वो 1,000 भी हो जाए तो आप फिर भी लेंगे क्योंकि वो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस चाहे जितना भी बढ़ जाए उसके बावजूद डिमांड में इतनी तब्दीली नहीं आ रही, आप फिर भी उस चीज को लेंगे, तो ये इन इलास्टिक डिमांड है। और कुछ होती है यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिट का मतलब होता है हमेशा एक, यूनिट इलास्टिक से मुराद ये है कि जब आपकी डिमांड में तब्दीली उतना ही है जितना प्राइस में है, दोनों में सेम चेंज इन परसेंटेज है, सेम परसेंटेज चेंज है, जितनी प्राइस में है उतना ही डिमांड में है। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने बताया था एक सिंपल एग्जांपल साइकिल वाली, साइकिल की प्राइस सपोज पहले 3,000 का था, उसके बाद परसेंट इसका 3,500 अब हो गया प्राइस, पहले कितना लेते थे 10 बंदे, तो अब कितना हुई है, अब 9 बंदे लेंगे। जितना प्राइस बढ़ी है उतनी ही परसेंटेज से उसकी डिमांड कम हुई है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो ना तो कोई इतनी महंगी है कि लोग बिल्कुल लेना छोड़ दें, और ना बिल्कुल इतनी सस्ती है कि और इतनी जरूरी है कि इसकी प्राइस जितना बढ़ती जाए लोग फिर भी लें, तो ये यूनिट इलास्टिक में इसकी बढ़ जाती है। तो जो हमने पढ़ा है इलास्टिक डिमांड, उसके बाद इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड में क्या थी, स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेस लार्ज चेंज डिमांड। इलास्टिक का मतलब मैंने आपको बताया जिसमें चेंज होने की एबिलिटी ज्यादा हो, तो डिमांड ज्यादा चेंज हो रही थी। फिर इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक में क्या थी, लार्ज चेंज इन प्राइस काजेस स्मॉल चेंज इन डिमांड, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी बेसिक नेसेसिटीज, हमने एग्जांपल लिया, लेकिन उसकी डिमांड में कोई फर्क, खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो आपकी जो जरूरियात की अशिया हैं उनकी कीमत चाहे जितनी भी बढ़ जाए आप फिर भी लेंगे। पेट्रोल की प्राइस आप देख लें, वो डेली यूज है, तो वो जितना महंगा होता जा रहा है उसके बावजूद आप उस चीज को ले रहे हैं क्योंकि उससे बगैर आपका काम ही नहीं चलता। इस तरह से ये हमने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लार्ज डिमांड में हमने सिंपल इफेक्ट देखा कि प्राइस बढ़े तो डिमांड कम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये देखा कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज आए तो डिमांड में फिर कितने परसेंट चेंज आए, इसमें हम परसेंटेज चेंज को देख रहे हैं। और उसकी टाइप देखें इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक। होपफुली आपको आज के कंसेप्ट की समझ आई होगी, इसके अलावा आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं। सो आज के लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।